खटीमा की रहने वाली सायदा रहमान को दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं 3 तलाक देकर फरार होने वाले आरोपी मोहम्मद हलीम को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर खटीमा कोतवाली पुलिस टीम ने खटीमा के भूड मोहलिया क्षेत्र में स्थापित एक निजी अस्पताल में अपनी लैब संचालित करने का कार्य करने वाले आरोपी मोहम्मद हलीम को उसके रिश्तेदारों के यहाँ से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। वही मामले में आरोपी अन्य ससुराल पक्ष के लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। सर, मेरी शादी 3 फरवरी 2023 को हुई थी। 5 फरवरी से ही मेरे हस्बैंड मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया था कि मैं दूसरी शादी करूंगा, और मुझे 60 लाख रुपए मिल रहे थे। मेरे पापा ने उसे घर नहीं दिया, तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। उसकी यहाँ भूड़ में प्रदीप, डॉक्टर प्रदीप बड़वाल हेल्थ केयर नाम से वहाँ पे लैब है। वो वहाँ पे लैब चलाता था, लेकिन उसका उससे भला नहीं हो रहा था, तो उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी बिजनेस करने के लिए। उसने ये सब सोच के मुझसे शादी करी, और 5 तारीख से ही मुझे फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से टॉर्चर शुरू कर दिया था, इमोशनली भी। और 29 अप्रैल से मैं अपने घर हूँ। फिर 19 जून को मैं गई भी थी, एक सुलह करने के लिए सब लेके गए थे। 13-14 मई को उसके भाई आए, वो लेके गए। 14 मई को वो छोड़ के भी गया। फिर 19 जून को जब मैं अपने फूफा के साथ गई उसके लैब पे, तो उसने 3 तलाक दे दी थी, जिसमें 4 गवाह भी है। साइदा रहमान एक महिला है, उसके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद उसके साथ मारपीट उत्खनन कर रहे हैं, और उसके पति द्वारा उसको जो है 3 तलाक देकर घर से भगा दिया। इस पर थाना खटीमा में FIR नंबर 2 धारा 3 54, 3 77, 5 4, 5 6 IPC और 3 4 दहेज एक्ट और 3 4 मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम दर्ज किया गया, जिसमें जो उसके ससुराल वाले थे वो लोग तो सब हाईकोर्ट से कोई स्टे ले आया था। और ये, लेकिन ये जो मोहम्मद हलीम है उसका पति, ये लगभग 2-2.5 महीने से लगातार अपने घर से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से नॉन अवेलेबल वारंट लिया गया, और उसको कल रात में 1 बजे उसके परिजनों के यहाँ से जनपद पुलिस से गिरफ्तार किया गया है। अभी उसको जुडिशल रिमांड में जेल।